बोलो अच्छा सारा रहे हो। मैं आ गया हूं, स्टेज भी लग गया है और आप भी आ गए हैं। अगर हुजूर की बात सुननी है तो फिर ऐसे नारा नहीं लगता। अगर आप थके हुए हैं तो मैं तकरीबन आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन जौक माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका न गया। लबैक का नारा लगाना है तो पता लगे कि हम बलोचिस्तान की धरती पर बैठे हैं और बलोच तो वैसे ही इस्लाम के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसी बात है या नहीं? अगर 100 भी शहीद कर दिए जाए तो हजारों फिर एक हफ्ते बाद आकर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि लबे बाहों भी पुकारा, सरदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की नगरी। जो हुजूर की मोहब्बत में शहादत के जाम पी गए उन्होंने तो अपने खून के दिए जलाकर चढ़ावा किया और जश्न मिलादुल नबी मनाया, और हम भी आए बैठे हैं और ये कहने के लिए आए बैठे हैं कि तुम गलत फहमी का शिकार हो। हुजूर के नाम पर तुम एक लिए जनाब 100 लेकर बात करते हो कि मिलाद नहीं होगा, हुजूर का जिक्र नहीं होगा। हमारा इमाम बता कर क्या है, करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा और तो जहां से भी नहीं निकला, करो क्या करो तो जहां। हुजूर का जिक्र कोई रोक सकता है क्या? मत तक और बेवकूफो, इस्लाम तो वो है कि हुजूर के मुकाबले में अगर अबू जाल आ जाए ना, वो भी मक्के का सरदार और अबू लहब भी कहलवाता हो, इस्लाम तो फिर इतना गैरतमंद है कि वो बच्चों से अबू जाल को मरवा देता है। और हुजूर का जिक्र ये तो नहीं रोक सकता, ये तो जनाब मक्के की गलियां हो, तपती रेत हो, सीने पर पत्थर पड़े हो, फिर वो मैया कोड़े पर सा रहा हो, फिर पूछे कि हाँ भाई सुना बिलाल क्या हाल है, तो हजरत ने बिलाल कहे मारो मारो मार मकाओ, ये मेरा इश्क नशे बेटा है। कहे कि तुम्हें सारत में पूछता है कि हुजूर के दामन में रहमत छोड़ दूंगा, हाँ ये तो 313 हो तो बदर में जाकर भी नहीं भूलते, ये तो 72 करबला में देकर भी हुजूर का दामन नहीं छोड़ते, ये तो गोलियां बरस रही हो और शहर बरस रहे हो, ठंडी रातें हो, फैजाबाद का मकाम हो, और फिर भी सामने बैठकर कहते हैं सिकंदर जरा उधर आजमाए तू तीर आजमा हम जिधर आजमाए, हमने तो गर्दनें रखी हुजूर के नाम के लिए, जिसका दिल चाहे तो इधर से काट ले जाए, इधर से हमने गर्दनें हुजूर के नाम के लिए रखी हुई है। और हमारा इमाम बता कर गया है, उसने यूसुफ में कटी मिस्र में अंगूठे दे सना, हजरत अब्बास ने इसका फरमा दिया लवामी सुनैसा नौ पदाए तो फरमाया यार सुल्ला आपका वो तो हावल चेहरा अगर मिस्र की औरतें देख लेती ना तो उन्होंने थल काटे थे बेर प्याली में और उंगलियां काटी थी और वो भी औरतों ने, कहा यार सुल्ला अगर आपका हुस्न देख लेती ना तो अपने गलों पे छुरियां जानबूझ कर भी चढ़ा लेती तो उन्हें पता नहीं लगता। इसलिए तो हमारे आम कहता है उसने यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुष्ठे सजा सर कटाते हैं तेरे नाम पे कटे कि नहीं कटे भाई कटे नहीं हमारे शहीद है बन में वाह 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 बन में है नहीं बन में वाह वाह वाह
हाँ जी, हम सारे कुर्बान हैं हुजूर के नाम पर। ये तो मसला ही कोई नहीं, आज ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो एक गल ही कोई नहीं। पंजाबी समझो, एक गल ही कोई नहीं। चले हो एक गल दसो भाई, मैं कले कले करके तुसी रल के आओ, इकट्ठे हो गए सारे आओ, हां इकट्ठे हो जाओ, फिर तुसी भी जोर लाओ, ते फिर कुरान कन्ना वाइन ताऊदू लाओ, वाइन ताऊदू इसका तर्जमा भी सुनाता जाऊं। आपने बड़े तर्जमे सुने होंगे, अमीरुल मुजाहिदीन का तर्जमा भी सुना। फरमाया कुरान कहता है अगर तुम शरारत करोगे तो हम जूते तुम्हें दोबारा फेरेंगे। भाई दाऊदू दाऊद अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हें जूते दोबारा फेरेंगे। और हाँ कुरान कहता है भाई दाऊदू दाऊद वो कोई और है जो भाग गए हैं, वो कोई और है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो कर निकल गए हैं। हमने तो कहा हुआ है आग लगी इस जंगल को और जलने लगे सब साथ। क्या लगे ना एक राइट गुजरा जंगल से, उसने देखा कि दरख्त को आग लगी हुई है, तो उसने देखा कि ऊपर परिंदे बैठे हुए अपने घोंसलों में बड़े आराम से। आग लगी जंगल को, जलने लगे सब साथ, हैं जी उड़ो उड़ो वाले पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। हैं जी उसने कहा पंछियों तुम उड़ जाओ, तुम्हारे तो पास साथ है, तुम उड़ जाओ, ये दरख्त को आग लगी है। उसने कहा, उसने कहा जनाब परिंदों ने कहा, उसने कहा मेवा खाया इसका और नाश की है सब साथ। हुजूर के नाम के लंगर खाए हैं भाई, हुजूर के नाम के लंगर खाए हैं, हलवे खाए हैं, अब मुश्किल वक्त आए तो ये कहे कि हम बाहर आकर मिलाद नहीं मनाएंगे, ये तो नहीं हो सकेगा ना भाई। हमने हुजूर के नाम का खाया है, ये सारे हम जो जनाब प्यार होकर मुजब्बे कुबा पे बैठे हैं, हाथ चुमा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जनाब फला हो रहा है, ये सारा कुछ इज्जत है, ये फूल की पत्तियां, ये सारा कुछ तरस रहा है, ये किसके नाम पर? हुजूर के नाम पर। सारा कुछ हुजूर के नाम पर किया है। तो अब उसने कहा उड़ो अरे पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ, उसने कहा मेरा खाया इसका और नाश किए सब पार। अब तो हमारा धर्म यही के जल जाना है इसके साथ। हमने तो अपने बड़ों से ये सीखा हुआ है, हमने ये भी सीखा हुआ कि मुश्किल वक्त आ जाए तो सर नीचे झुका देना, बल्कि ओहद का मैदान हो और जनाब सामने जंग के शौके भड़कने वाले हो, है जी। और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, हजरत साहब के नबी वकास से कह के नाम आप दुआ करें, उन्हें कहा दुआ करें मैं आमीन कहूंगा। हजरत साहब के नबी वकास फरमाते हैं मैंने दुआ की या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े हुजूर के नाम पर। हाँ मुश्किल वक्त आ जाए अंदर नहीं, बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े। साहबों की सुन्नत यह है जब मुश्किल वक्त आ जाए अंदर नहीं, कहा या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े, फिर वो भी मैदान में निकले मैं भी आऊं, फिर या अल्लाह तुम मुझे कुव्वत दे, मैं उसको मार डालूं, उसको हलाक कर दूं, और फिर जनाब उसका माल गनीमत समझ करके इस्लाम के जनाब लश्कर से आ मिलूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश ने कहा आमीन। हजरत साहब के नबी वकास कहते हैं फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश ने दुआ मांगा, ऐसे ये है तेरे सर कटाते हैं तेरे नाम में पड़ता है। और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश ने कहा हजरत साहब ने नबी वकास से कहा मैं दुआ मांगता हूं आप आमीन कहें। उनका जी मांगे, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश ने हाथ उठाए कहा या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े, कहा फिर वो भी मैदान में आया और मैं भी मैदान में आऊं, फिर कहा या अल्लाह वो मुझे शहीद कर दे, वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो शहीद कर दे मुझे, कहा फिर वो मेरे नुसरा कर दे, नाक कान आंखें निकाल दे, काट दे सारा कुछ, कहा फिर ये सारा कुछ लेकर मैं तेरी बारगाह में आ जाऊं। और तू पूछे अब्दुल्लाह बिन जाश से हुआ क्या है तेरे साथ, तो मैं कहूं तुझे हफी का वफी रसूल का है मेरे मालिक, मैं तेरे और तेरे हबीब के नाम पर लेके आता है। ये तो बात, ये तो बात ही कोई नहीं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर से मोहब्बत बिना सोच के समझे है, यहां बिन देखे का सौदा है, देख देख कर नहीं, पूछ पूछ कर नहीं कि जनाब मैं करूं या नहीं करूं, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यहां बिन देखे का सौदा है। और बिन देखे का सौदा है भी बड़ा कमाल। और बाबा जी कहते थे तू आया ना दर पे क्यों बदनसीबा, हाँ हुजूर के दर पर नहीं आया ना, है जी मेरे हबीब क्या करें इनकी नमाजों को, है जी अब्दुल्लाह बिन उबई ये हुजूर को छोड़कर, बाबा जी ने तस्दीक की थी हदीस की, कहा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 70 काफिर टूट पड़े तीर तलवार और नेज़े और भालों से,
और वाले दिन ऐन उस वक्त में मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे, मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे, जोर की नमाज पढ़ रहे थे ऐन उस वक्त जब हुजूर पर हमला हुआ। और नमाजें पढ़ने मेरे आका वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अब्दुल्लाह बिन उबैद ने कलाम भेजा, उसने कहा हुजूर आपने मेरा नमाज़ जनाज़ा पढ़ाना है। हुजूर ने नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ा दिया, कुर्ता मांगा था एक दो दिए, दो कुर्ते दिए। और जब तकफीर हो गई उसकी तो अल्लाह ताला ने जनाब जिब्रील को भेज दिया, फरमाया मैं अभी सब नहीं मरा, अगर आप 70 बार किसी बख्शिश तलब करें ना हमने इसको नहीं बख्शा। क्यों? यार ये आपके साथ वफादार नहीं है, ये आपके साथ वफादार नहीं है। और इधर सुने, इधर वो जो कह रहे थे सिद्धवाला मनशेता वक्ता हिमाला मनशेता सालिम मनशेता आदे मनशेता खुद में नंबाल ना माशेता वादे ना माशेता, यार सुनता पदर तुझे पड़ा है और तुझे पड़ा हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, है जी हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। हजरत शम्मास बिन उस्मान जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तदफीन की ना सहाबा की, तो हजरत शम्मास बिन उस्मान की जब तदफीन की बारी आई तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शम्मास बिन उस्मान के जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे ही दफन कर दो। सहाबा परेशान हो गए, कहा या रसूलल्लाह ये आपके ऊपर ईमान लाता हुआ अल्लाह की वादानियत का जनाब ईमान लाते हुए अल्लाह की वादानियत पर ये दुनिया से गए हैं, इनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? कहा मेरे गुलामों ये बात नहीं है, ये बात नहीं है जब बहुत के मकाम पर सारे काफिर मेरे तरफ टूट पड़े तो शम्मास बिन उस्मान मेरे गिर्द घूमने लगा, ऐसे मेरे गिर्द घूमने लगा और घूम के कोई हर तलवार तीर नेजा अपने जिस्म पर दिया और मेरे तक कोई चीज नहीं आने दी। कहा जब इसने अपने नबी की इज्जत पर ऐसे पैरा दिया ना बिजली से भी तेज घूमकर, अल्लाह ताला ने जन्नत में शम्मास बिन उस्मान को वो मकाम अता कर दिया है कि नमाज जनाजा पढ़ी जाती है पाबंदी है दराजात के लिए, शम्मास बिन उस्मान उस जन्नत के मकाम पर चला गया है कि आगे कोई मकाम ही नहीं। एक है हुजूर को छोड़कर कोई नमाजें पढ़ रहा है और हुजूर नमाज जनाजा के लिए भी और जनाब करते भी देते और कहा मेरे हबीब को नहीं बख्शना, और एक वो है जो सारा कुछ छोड़ के हुजूर के दिफा में लगे हुए हैं, कहा मेरे हबीब इसको वो मकाम अदा कर दिया है अब इससे आगे जन्नत में कोई मकाम ही नहीं है। हाँ ये है दुआया मदद लेके मोहम्मद रसी का हजारा रंगा में रंगेंगे मोहम्मद, ये बात ही और है। और हमारे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी है, हर चीज ले आया है, हमारे इमाम तो बेहतर थी रजा मदीने से लौटे मुजद्दद की सनद ले गए, न क्यों नाजा हो अख्तर ऐसे सुन्नत अपनी किस्मत पर रजा मदीने से लौटे मुजद्दद की सनद ले गए कैनेडा से, है जी हाँ भाई से नहीं हाँ मदीने से लौटे मुजद्दद की सनद लेकर। और हमारा इमाम कहता है होते कहां फरीदो बिना काबो मिला लौलाद वाले साहिब की सफते घर की है, हाँ मौला अली ने मारी तेरी नींद पास और वो भी असल जो सबसे आला खतर की है। हाँ ये इमाम कह रहा है मुजद्दद कह रहा है, कोई बदू बदू नहीं बात कर रहा, आप सुवर सलावात व सलात अल मुस्ता व कुमो लिल्लाह मानदीन मौला अली ने मारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असल जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान पे दे चुके जान तो हिज्ज जान फरोजे गुरत की है, हाँ अफजल फरायद है जान बचाना और जनाब सैयद सूफी अकबर हुजूर की जात पर जान कुर्बान कर चुके हैं। आज अभी लोग कहते हैं कि ये लबैक वाले हर वक्त नामों से सियासत की बात करते हैं, हर वक्त दीन की बात करते हैं, हर वक्त खत्म नबूवत की बात करते हैं, हमने अपने बड़ों से सीखी है जिनके बड़े मकाम शौक से वापस आ गए हैं मुनाफिक वो आज भी उस नसर से मौजूद है, और जिनके बड़ों ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए चले तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ चलते हुए कभी आगे निकल जाए कभी पीछे निकल जाए कभी दाएं कभी बाएं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक ये भी कोई चलने का तरीका है, कभी आगे निकल जाते हो कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज की या रसूलल्लाह जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना दुश्मन आगे से ना जाए तो मैं भाग के आगे निकल जाता हूं,
कभी जब ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए तो मैं पीछे निकल जाता हूँ, कभी ख्याल आता है दाएं से कभी बाएं से मैं उस तरफ निकल जाता हूँ। मोमिन की शान यही है, हुजूर की इज्जत का मसला है तो उसको ख्याल आए कि आप इज्जत पर पहला फैसला जाकर देना है तो वो फैसला निकल जाए। जब उसके जनाब ख्याल में आए कि अब समरी हाथ में कारकुनान नहीं है, अकेले जाके मिल रख देनी है तो वो वहां पहुंच जाए। ये सुन्नत सिद्दीकी है। और जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए तो अंदर बाड़ के बैठना या मकाम शौक से निकल जाना ये मुनाफों का तरीका है, और ये मुनाफों का तरीका है। और मुश्किल देखकर डेढ़ मील से भाग जाना ये मुनाफों का तरीका है। आशिकों का तरीका यही है, यार सुनना हुक्म करे ये तो ये क्या करो किस तरह के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म करे पहले दिमाग तक घोड़ों के चीरे तक ला के रख देंगे, हम कोई कौम मूसा है जो कहे زمین اور آسمان بھی منتظر رہے کہ کب حضور کے غلاموں نے آنا ہے اور کائنات کی نظم اور بزم تبدیل کیا کرتے ہیں جی؟ اور آج سے پہلے تو وہ یہی سنا تھا نا کہ یہ جناب من بکتی آو کسا یا و خونی آو ادسیا ساری قومیں یہ مانتی رہی یہ جناب کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں گٹلیاں چوس رہے ہیں لیکن کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے اور یاد رکھنا حضور کی محبت کائنات میں ایک بات کہتا ہے کہ لہذا عشق احمد پر تگان ہے جیل ہے خدرہ اور تاس ریا می کمت ایک بات کہتا ہے کہ حضور کی محبت کائنات میں ایسی دل سے عشق او توانا می شبت خواب سے ہم کو تکے سریا می شبت ایک بات کہتا ہے کہ حضور کی محبت کائنات میں ایسی چیز ہے اگر یہ مل جائے اور بندہ دعویدار ہو جائے اور ہو سچا عاشق تو رب کر کے دکھاتا ہے یہ رب کی قانون قدرت کا ہے صحابہ نے جب دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے اور اقبال کہتا ہے حدیث بھی کہتی ہے تاریخ بھی کہتی ہے آپ نے بھی سن رکھا ہے میں نے بھی سن رکھا ہے مستند روایت میں یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے بدل میں ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے تھے اور کہتا ہے کون سے گھوڑے ہمیں سمندروں میں ڈال لیتے ہیں میں خود ہی کہتا ہے ہلکے عشق مصطفیٰ سامان اس بارہ بار دردوشہ تابان اس کہتا ہے چلے آج جس سے دل دل محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے اور یہ یاد رکھنا حضور کی محبت میں صحابہ نے یہ بات کی نا کہ حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے یہ بات ایسے صحیح نہیں پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے دریائے گنگا میں گھوڑے ڈال دیے اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے باقی مجاہدوں کے ساتھ کمانڈروں کے ساتھ ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے جیسے عام بندہ گفتگو کرتا ہے دریا سے اوپر گھوڑے اوپر چلتے جا رہے ہیں جب پار چلے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے منہ طرف دریا کی طرف کیا کہا سارا لشکر خیریت سے آ گیا کوئی بندہ رہ گیا ہو کوئی جانور رہ گیا ہو گھوڑا رہ گیا ہو انہوں نے کہا سارا لشکر پار آ گیا انہوں نے کہا کوئی چیز رہتی ہو بیچ کے دریا میں رہ گئی ہو ایک مجاہد آ گئے انہوں نے کہا جی میرا ایک پیالہ ہے مٹی کا وہ میں نے مونج کے ساتھ جناب رسی کے ساتھ اپنے گھوڑے کی سین کے ساتھ لٹکایا اس کے ساتھ میں پانی پیتا تھا وہ دریا میں گر گیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص پھر دریا کے کنارے آ گئے کہا دریا ہم حضور کے غلام ہیں ہاں مارا نے فرماتے ہیں خود خاتو اور خود خاتو اور خود گر گئے فرمایا جب حضور کا بندہ غلام ہو جائے نا اور ہو سچا جائے تو ہوا بھی اس سے باتیں کرتی ہے زمین بھی باتیں کرتی ہے خواب بھی باتیں کرتی ہے عرش بھی باتیں کرتا ہے فرش بھی باتیں کرتا ہے ہاں ہر چیز باتیں کرتی ہے پانی بھی باتیں کرتا ہے مٹی بھی باتیں کرتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے کہتا ہوں کہ آپ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہمارا حاکم ہمارا خلیفہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہے حضرت جناب عمر ہے اور وہ قدر کرتے ہیں ہم تیرے اوپر سے گزرے حضور کے غلام بن کر ہمارا پیالہ واپس کر ہمارا پیالہ واپس کر تو وہ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پیالہ جناب کنارے کے اوپر ایسے تیر میں لگ پڑا اور انہوں نے مجاہد نے اپنا پیالہ واپس کر دیا اور انہوں نے چلو چلیے اور یہ تو ہے نا صحابہ کی بات صدیوں بعد غلام ہو اور وہ یہ دعویٰ کر دے انہیں بھی ہونا انہیں بھی ہمیں سب سے وہ تو صحابہ تھے نا وہ تو اللہ نے عزت میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا
अपने हबीब के गुलामों सहाबा से ज्यादा पढ़कर पाकीज़ा किसी के दिल नहीं पाए। वो तो वो है ना, वो तो मुठ जोद है और हम बहुत पहाड़ का सोना बराबर खर्च करें तो बराबर नहीं हो सकता है जी। वो तो इतनी शानों के मालिक है, सदियों बाद गुलाम है। और कायन ने भी रोना, इन नसर ने भी रोना, और इंशाल्लाह मोहम्मद अरबी का दीन दस्त होते होना इंशाल्लाह। तुम्हारा सही करके अमर निकाल देना था, कहना था कैसे और रख दी,
बैतुल मुकद्दस तक जनाब मुसलमानों के जनाब खून पसीने निकाल दिए, और तुम्हें अमन याद आ रहा है? अगर तुम शुक्र करो सलाउद्दीन अयूबी के जमाने में भी नहीं थे, अगर उसके जमाने में होते तो उसने तुम्हें हितीन में डाल के लेके जाकर तुम मुनाफिकों के अंदर पहले उतार दी थी। क्यों मुनाफिको, मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दाव पर लगा दिया, हर चीज दाव पर लगाकर बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्त कर दी। अपनी पीठ जो है बिस्तर पर सुकून से नहीं लगा सका, अपने जनाब हमेशा घोड़े को पर सवार रहकर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाता रहा। आज तो मेहमान की याद आ गई है, लेकिन वो जो बात देखा ना काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, जिसको पता ही नहीं है मोहम्मद अरबी की तलवार है क्या, मोहम्मद अरबी का दीन है क्या। और आज की बैठक अमन अमन अमन, मैंने कहा हम अमन की जरूर बात करते हैं, हम अमन की बात उस वक्त करते हैं जब फिलहाल काबे की छत के ऊपर हो, जब जनाबे बिलाल हबशी काबे की छत के ऊपर हो, और जब हजरत बिलाल को काबे के जनाब मक्के की गलियों में मारा जा रहा हो, फिर हम अमन की बात नहीं करते, फिर तो हम उमैया को बदर में ले जाकर दो टुकड़े करने की बात करते हैं। आप ठंडे पड़ जाते हैं, फिर मैं भी कहता हूँ वहां पर दावा एयरपोर्ट पर होती थी
जिसकी पत्रोन अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरी हुई हो वो भी कौम को मुंह दिखाने के लायक है। हाँ, अगर तशद्दुद से उतरी हुई होती, अगर किसी हुर्रियत के नाम पर उतरी हुई होती तो फिर पत्रोन क्या, फिर तो जिस्म का तार तार नहीं होता। हम खड़े होकर सलूट करते हैं कि ये पाकिस्तान और ये इस्लाम के नाम पर कट कर आया है। लेकिन अफसोस के जनाब उन मुल्क कौम की दौलत लूटने वाले करप्शन में जनाब गले तक खड़े हो जाओ उनको तकलीफ का ताज डाले खत्मे नबूवत की जनाब और हुजूर की खत्मे नबूवत पर पैरा देने का है। तो मैंने तो बड़ी देर पहले कहा था कि खत्मे नबूवत ऐसा मामला है ना जिसको हम भूलेंगे ना हमारे दुश्मन भूलेंगे। इसका दर्द तासुर है कयामत जारी रहेगा और इसका जश्न मोहम्मद नबी के गुलाम तासुर है कयामत बनाते रहेंगे। और ऐसे ही नहीं, ऐसे ही बात 74 में हमारे बड़ों ने जितने भी बड़े बड़े हमारे लोग थे इन्होंने जितने भी बड़े थे जनाब हजरत की तारीख चली और आगे तक आई। इन्होंने 74 में जो कादियानियों का नाका बंद किया था इन्होंने एक सुराख करने की कोशिश की लेकिन बाबे रिजवी ने जोड़ी दी है ना। अब क्यामत तक मिर्जाइयों और उनके हम नवाओं को दर्द उठते रहेंगे। और बाबा जी कहते थे पीड़ा हो और थपकिया हो। हाँ, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये याद रखना कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो तुम गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने मिर्जाइयों के लिए नहीं लिया, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने लिबरलिज्म और कैमरिज्म और सोशलिज्म के लिए नहीं लिया। ये हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते वक्त ये नारा लगाया था कि बट रहेगा हिंदुस्तान, बट रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और मैंने कहा इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम तुम्हारी इस तकलीफ में मजीद इजाफा ही करते रहेंगे। हाँ, या तो तुम बंदे के पुत्र बन जाओगे या तुम अपने जहाज और प्यारे लेकर इस मुल्क से दफा हो जाओगे। यहाँ से राज मोहम्मद अरबी के गुलाम होता होगा। और कहते हैं अकलियतों के तहफ़ुज़, मैंने तो करो अकलियतों का तहफ़ुज़। आज तक तुमने तमाशा लगाया हुआ है, तुम क्या समझते हो कि ये कौन भोले हैं या बैंक वाले हैं। हमें सारी बातें मालूम है, जितनी तुम्हें नहीं पता उससे ज्यादा हम जानते हैं। आपके बहुत लोग बता हमारे छोटे छोटे बच्चे भी तुमसे ज्यादा जानते हैं बातें। तो क्या समझते हो कि हमें पता नहीं है, हम सारी जानते हैं कि चर्च की दीवारों को आग लगाकर बाहर से ज्यादा कौन भड़कता है। जी चर्च की दीवारों को आग लगाकर और जनाब ईसाइयों को घरों को खुद आग लगवाकर उनको पासपोर्ट और वीजे कौन दिलवाता है। फिर किस किस के बच्चे उन वीजों के ऊपर बाहर लंदन की और यूरोप की और जर्मनी की और कनाडा की सैरें करते हैं। तुम क्या समझते हो हमें पता नहीं है, पता सारा है सरदार ने की किया था। सारा है सरदार की किया था अहमद ने पत्ते का ही तलाश किया। हम चुप करके बैठे हुए हैं। बाबा जी कहते थे शिशर में हमारे अंदर बड़े ऋषि संख्या मैं ही है। हम इसलिए चुप करके बैठे हैं कि ये वतन हमारे बड़ों ने बनाया है और ये वतन हमारे बड़ों ने बनाते हुए 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। बताए किसके बाप ने कुर्बानियां दी है। ये तो सारे अंग्रेज के गुमाश्ते थे, इन्होंने हमेशा मुखबरियां दी है, वो तो हमारे बड़े थे। बताए किसके बाप ने यहाँ पाकिस्तान बनते वक्त कुर्बानी दी थी। तुमने तो उनकी औलादों को हमेशा कमाने की कोशिश की है लेकिन वो वक्त चला गया। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठाने जा रहा है, दूर हटो या दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा। हाँ, पाकिस्तान हमारा है, हमारे से पाकिस्तान के। तुम्हारे बड़े तो 10-10 रुपए पर मुजाहिदीन ने जंगी आजादी की मुखबरियां करते रहे और घोड़ी पाल मुरब्बे बनते रहे और अंग्रेजों को कुत्ते लहराकर उनकी चापलूसियां करते रहे। वो तो हमारे बड़े थे जो फांसी के फंदों पर भी झूलते रहे और एक एक दिन 300 फांसियां लेकर के कहते रहे। 27 साल अंग्रेज की जनाब मुशक्कत वाली जेल गुजार करती और जनाब फिर जिस्म पर स्त्रियां फिरवाकर नमक और मिर्च करवा करके कहते रहे कोई दिन बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों का में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहेबे जो रात के ऊपर जुलूस
आग से महफूज उसका तन बुलंद रह जाएगा और सब बना हो जाने के काफी बनाए के काशत तक नाते हजरत का जुबानों पर सुहन रह जाएगा। ये वो सुहन है उनको बना दे गोलियों की बुछाड़ पर भी अदा कर देंगे बम्बों की जनाब साइले और जनाब कंपार्टमेंट और जनाब खुदकुश हमलों के साइले भी कह रहे हैं कि जनाब हमसे ये छुड़वाते हो भूले न मरते मरते आधा पे डूबे जाना। मैं जब को मंजर देखता ना मिलान शरीफ वाला मेरा कलेजा एक तरफ से तो फटता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म हुआ, एक तरफ से मैं जब देखता हूँ कि वो जनाब इस जुल्म और बर्बरियत और इस जनाब इतने जुल्म और कहर के बाद की खून से अनूप पूरी जमीन के बाद की हाथ चीटने उतरे के बाद भी एक बंदा बात खड़ा होकर कह रहा है नजारा नहीं देखा होगा कि लोग तो पटाखा चलने से एक पॉइंट चलने से लोग मजमे दौड़ के भाग जाते थे, वहां बम फटा और वो भागा नहीं वो बल्कि कह रहा था हुजूर ये तो मसला है कभी हम फिर हाजिर यहां भी हाजिर कल हशर में भी हाजिर कब्र में भी हाजिर हुजूर आपके नाम पर हम हम सब जानते हैं कि चर्चों पर आए रोज ये जनाब हमने करवाकर कौन किसको खुश करता है, फिर कौन किसको वीजे दिलवाता है, फिर किस डीसी और एसी की प्रमोशन होती है, फिर वहां पे रहने वाले जनाब सिक्योरिटी करने वाले केंद्र इदारों को मजीद एड और डॉलर मिलते हैं, ये सारी फनकारियां हम जानते हैं। और फिर खुद को कौन गोलियां और खुद को जख्मी करके फिर कहानी में लड़के बैन अल्कवामी वीजे और जनाब वो बैन अल्कवामी एम्बेसियों में जाकर अपने वीजे पक्के करवाते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन हम इसलिए चुप रहते हैं कि ये वक्त हमारा है, वो हम पेट से कपड़ा उठाएंगे तो नंगे भी खुद होंगे। लेकिन ये याद रखो कि ये नहीं हो सकता कि तुम लबैक के बारे में बैठकर अंदर बकवास करो और हम ये बर्दाश्त कर ले। लबैक वाले न शर पसंद है न जनाब दहशत गर्द है, हाँ हम हुजूर की इज्जत के पहरेदार हैं। अगर खत्म नबूवत पर पहरेदारी देना, अगर नाउस रिसालत पर पहरेदारी देना, अगर पीर की इबादत करना शर पसंदी है और दहशत गर्दी है, ये शर पसंदी हम हर बार करेंगे, सौ बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया सरे दार भी करेंगे। और ये काम हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमारी लाइन बड़ी मायने रखता है ना जनाबे से ऊपर वाला बात है, हाँ उसी लाइन से चलते हुए जनाबे फारूक आजम तक, फिर जनाबे उस्मान गनी तक, फिर जनाबे मौला कायनात तक, फिर जनाबे हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। कहते हैं मन मानी मजहब की तशरीह नहीं करने देंगे, मैंने कहा जिसको कुलवल्ला नहीं आती वो हमें तशरीह बताएगा, जिसको कुलवल्ला शरीफ नहीं पढ़नी आती एक बार पता भूल जाए, जिसको बार बार दोहराने से भी नहीं आती वो हमें बताएगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम हमें पूछना है तो अल्लामा इकबाल कहता है दीन अगर पुख्ता बे आदाबेश दी बगैर सोहबत अरबाबेश, बात करता दीन एक खुशबू से जाके ना पूछी इन जनाब जिनकी दाने शफरंगी है ईमान सुरनारी है इनसे जाकर ना पूछी इनको क्या पता हो, कहता दीन पूछना है तो दाता की हजवेली से पूछी, कहता दीन पूछना है तो हजरत ख्वाजा हजवेली से पूछी, कहता दीन पूछना है तो यार की आले पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछी, उसे बाप से पूछी और कहता है इन खुशकों से ना पूछी दीन है क्या, कहता है मगज़े गुना रूह ईमान जाने दी हस्बे रहमत अल्लाह अमीन।
तुम बताते हो दिन क्या है। मैंने कहा छोड़ मौलवियों की बात, मौलवियों से नहीं पूछते, दरवेश से पूछ लेते कि दीन की तशरीह है क्या। कहता है मकसद कुरान, कहता है कुरान का मकसद कुरान रूह है ईमान, कहता है ईमान की रूह, दीन जान है दीन, दीन की जान बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से, बढ़ता है शौक। अल्लामा वारिस अख्तर उल्कादरी फरमाते हैं भाई चलने दो, और उनको थोड़ा सा है कि भाई अभी जनाब सुबह फिर जलसे हैं, कल फिर जलसे हैं, वो मकतब के दस्तूर में डाले हैं। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाता हूँ, आज मैं बड़े दिनों बाद याद है। अमीरुल मुजाहिदीन अपनी हयात मुबारका में लाहौर के गुरजी के पास ना, मैं ये बताने लगा हूँ कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरो, इश्क है से हयात। अल्लामा इक़बाल ने बड़ा कमाल का अंदाज़ है, मसले कुरतबा के जिक्र करते हुए कहता है कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरो, इश्क है से हयात, मौत है इस पर हराम, तुम दो सुख से रह कर छे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क की तकवीन में असरे रवा के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम, इश्क शबे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम, इश्क की गर्मी से पैकर गुले तामरा, इश्क है सहबान खाम, इश्क है आपका सुल्तान, इश्क मिद्राब से नफ़ा दारे हया, इश्क नूरे हया, इश्क दारे हया। मैं आपको ये बात के मतलब समझाने लगा हूँ कि इकबाल में बात क्या है। कहता है इश्क है सारा कुछ, इकबाल है कैसे। बाबा जी चुबुल जी के करीब एक प्रोग्राम में जाने लगे, तो जहाँ प्रोग्राम था ना वहाँ करीब एक अस्तकबला हो लोग एक जनाब पार्टी थी, वो बैठ के रोजाना शराब पीते थे, रोजाना इसका मतलब यह है कि मेरे शाह साहब फरमाते हैं
कि हुजूर ने वादी हमरा में एक झलक दिखाई और अब ताए फसरा में तला दी ही पश्चत को बदाम में गफरा की ही पसकत को हुना में नजर की नजर की ही नैदा दी अफोजा वे मेरे चाचा समाते हैं मेरे दुनिया के माले कहते हुजूर ने वादी हमरा में एक झलक दिखाई कहा जो कुछ पढ़ा लिखा था सब भूल गए अगर मरने के बाद खत्म हो जाता तो इमामुल हरमैन इमामुल मालिक आप 70 साल 80 साल हरमैन की इमामत की और जब कब्र में जा पहुंचे तो उनके नकीर आ गए कहा जनाब मर रखो का तो हुजूर के गुलामों की शान अलग है फरमाया मरने के बाद भी ये नशा नहीं उतरना और कहा मर रखो का आपने सफेद दाढ़ी पकड़ ली अगर मैं कहूं तो 80 साल रब रब का दादा हूं तो मुझसे पूछने आ जाओ रब कौन और बाबा जी फरमाते थे हमारे बाबा साहब के कसूर वाले वो गाजी को दीन की खबर पर चले गए उन्होंने मुराकबा किया कष्ट शुक्र तो उनको हासिल था उन्होंने मुराकबा किया उन्होंने कहा गाजी साहब मुमकिन नकीर आए थे उन्होंने कहा कि नहीं आए उन्होंने कहा कि क्यों उन्होंने कहा आप लोगों ने की पूछना सीखे गाजी दास माँ बोलकर जब तुम की हक के हासिल कर जब दास दुनिया बताओ दुनिया में इनके बारे क्या कहते रहते थे उसने कहना था पहले मैं फंदा जो डाल कर आया हूँ और बताओ क्या कहता है और एक बात यार मुझे बताओ हमारे तकरीर का हासिल ही ये बात है आपने लबैक का नारा लगाना और हमारे आने का अमल पड़ जाना है आने का अमल किया जाए कि हुजूर से हुजूर के गुलाम मोहब्बत करने शुरू करते हैं क्या बोले मुझे ये बताओ कि हर कोई फिदा है फिर देखे यहाँ बाबा जी ने नारा दे दिया है हर कोई ऐसे लगाता है और जब सामने ऐसे शरीर लाई जाएगी जब सामने लाया वो शरीर से ये दरवाजा तो मैं पुकार था सरवर को हूं के बाद मौला को हूं तुझे और बाद खलील का तो नसीबा तुमको तुझे और तेरे तो बस है बेतनाही से है बली हैरान हूं मैंने शाह क्या क्या कहूं तुझे है जी वहां जब ये पूछा जाएगा बताओ उनके बारे में क्या कहते रहते हो तो दुनिया में बिंदे की हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा और बाबा जी कहते थे हम वहां कहेंगे जरा रुक जाओ होने वाला है हां जरा रुक जाओ होने वाला है इसका मतलब यह है जरा रुक जाओ अभी मेरे आका वालों आने वाले हैं मर के पहुंचा हूँ और फिर मंदिर यहाँ तक नहीं रहना ये तो कब्र का मंदिर हो गया ना तो हमारा इमाम बता कर क्या है फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बसने माशर का फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बसने माशर का निशाने महबूबी दिखाई जाने वाली है हुजूर जो आपके बाद दुनिया में आए उनको तो पता है कि आप इमामुल अंबिया है खातमुल अंबिया है लासुदा आपसे पहले की बड़ी कौमें जनाब बैठ गए बैठ गए बड़े बड़े लोग आए गुजर गए उनको कैसे पता लगेगा तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन इसलिए सजाया है कि हुजूर की शान दिखानी और दिखानी कैसे है तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लगाया ये कहकर खुदा ने प्यारे को उठाया प्यारे तेरे गैसु क्या मांगते हैं ये सुन कहा मुस्तफा ने इलाही कहती है मेरे गैसुओं की स्याही के श्याम उम्मत की कर दे रिहाई बस मेरे गैसु ये मांगते हैं और जब ये रिहाई हो जाएगी तो फिर बाबा जी कहते थे हम सूए हशर चलेंगे शाह अब्रा हम सूए हशर चलेंगे शाह अब्रा के साथ और काफिला होगा रवा काफिला है सादात के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कतों में होता है निपट कर करो दीवान के साथ और हम भी सुनेंगे हम भी सुनेंगे खादिम हुसैन से कोई किताबें रहेगी हम कहेंगे बाबा जी दुनिया में तो आप सुनाते रहते थे आज तो आला हजरत बरेलवी भी सामने मौजूद है और मेरे आका मौला भी जलवा कर है आज तो बकर उमर भी सामने है आज तक हमें सुनाए क्या हिसाब अफसा शबाब है तुम्हारे कर सलेती है गुना खामा है कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह
क्या ये तस्वीर अपने प्यारे की सवारी का, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की, और तारा है दिल की निकला दिल से सोफे में रजा उन सकाने तू से इतनी जान प्यारी वाह। बस आप आपके सामने हाथ खड़े करें, उठना नहीं, हाथ खड़े करें, सारे ऊपर नीचे सिक्योरिटी वाले सब 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 हाथ खड़े करें, और हम के कबाब बना कर कहते हैं सबको तो यार सुनना, आपका मिलाद भी मनाएंगे, आपके नामूस पर पैरा भी देंगे, आपके खत्मे नबूवत पर पैरा भी देंगे, चाहे इस्लाम पर भी पैरा देंगे, और नामूस रिसालत पर भी पैरा देंगे, और इंशाल्लाह तीर को भी तक पर लाएंगे।